रुक करते हैं आज की सुपर फास्ट खबरों की ओर। एसडीएम के द्वारा ज्ञापन सौंपकर राष्ट्रपति से लोगों ने मांगी इच्छा मृत्यु। छतरपुर जिले में खजुराहो फोर लाइन को लेकर पीएनसी के ठेकेदारों और अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए ग्रामीणों के द्वारा आए दिन विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पहले भी घूरा गांव में भाजपा नेता के द्वारा विरोध प्रदर्शन कर एसडीएम मुर्दाबाद के नारे लगाए गए थे और अपनी मांगों को मनवाने के लिए जमकर प्रदर्शन किया गया था और प्रशासन को चेताया गया था, लेकिन बावजूद इसके आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही मुआवजे में हो रही विसंगतियों को दूर किया गया। उसी तारतम्य में आज राजनगर एसडीएम पीयूष भट्ट को भाजपा नेता उपाध्याय द्वारा और क्षेत्रीय सैकड़ों लोगों के द्वारा सामूहिक तौर पर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें इच्छा मृत्यु की मांग की गई और बताया गया कि या तो सरकार हम लोगों के आशियाने उजाड़ने से पहले मुआवजा दे और रहने की व्यवस्था करवाएं, या फिर हम सभी लोगों को सामूहिक तौर पर इच्छा मृत्यु दे, क्योंकि अधिकारियों की प्रताड़ना से तो अच्छा ही है। वहीं जब पूरे मामले को लेकर अरुण उपाध्याय से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि मैंने एसडीएम को राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय मध्य प्रदेश शासन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को ज्ञापन सौंपकर इच्छा मृत्यु की मांग की है और बताया है कि या तो हम लोगों को 2016-17 के अनुसार मुआवजा राशि दी जाए या फिर सभी को इच्छा मृत्यु दी जाए, क्योंकि ऐसी गंभीर कोरोना काल जैसी भयानक परिस्थिति में हम लोग जाएं तो कहां जाएं बिना मुआवजा दिए। हम लोगों के घर मकान गिरवा दिए गए हैं, अगर कोई बड़ी घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार छतरपुर जिला प्रशासन और राजनगर तहसील प्रशासन जिम्मेदार होगा। इस पूरे मामले को लेकर जब अनुविभागीय अधिकारी पीयूष भट्ट से बात की गई तो उनके द्वारा मजे में हो रही विसंगतियों को लेकर पल्ला झाड़ते नजर आए। आज जी आपके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है एसडीएम को, किस संबंध में ज्ञापन दिया गया? ये ज्ञापन हम लोगों का NH 75 में, जो छतरपुर जिले में बमीठा है, बमीठा में लोगों को उचित मुआवजा 2017-16 के अनुसार नहीं मिला है, अतिरिक्त भूमि अर्जित की जा रही है सरकार के द्वारा धोखे में रखकर, तो हम लोगों ने आज एसडीएम को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन दिया है, जिसमें इच्छा मृत्यु की मांग की है। या तो सरकार हमें इच्छा मृत्यु दे या हमारा अधिकार दे, क्योंकि हम लोगों के पास ना तो रहने की व्यवस्था बचेगी, मकान जाने के बाद जमीन चली गई जीरो कौड़ियों के भाव में, जब कोई व्यवस्था नहीं बचेगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग पाकिस्तान चीन कहाँ चले जाएं, सरकार ये चिंता करे। दूसरा, इतना मुआवजा हम लोगों को दे कि जिससे हम लोग भविष्य में अपना जीवन यापन स्वाभिमान के साथ कर सकें, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। COVID-19 का समय है, COVID-19 में महामारी का दौर चल रहा है, अभी खजुराहो में भी निकले कोरोना, बसारीगंज में भी निकले, बमीठा में यदि हम लोग दल दल भटकेंगे कोरोना निकलेगा तो एसडीएम कलेक्टर कौन जिम्मेदार होंगे? ये सरकार की योजनाओं को भट्टा लगाने में लगे हुए हैं, मकान गिरा रहे हैं, तानाशाही रवैया है। अभी आपने गुना की घटना देखी होगी, गुना में एसपी कलेक्टर को हटा करके पल्ला झाड़ा जाता है, एसपी कलेक्टर हट गए, वहाँ के कर्मचारी सस्पेंड हो गए। इसमें आप किसको दोषी मानते हैं, किसकी मान्यता है? हम तो इसमें दोषी ये मानते हैं कि स्थानीय प्रशासन जो है उनका दोष है पूरा पूरा, माननीय कलेक्टर जी का इसमें दोष है, क्योंकि उनके द्वारा जब भू अर्जन किया गया था तो हम लोगों का मुआवजा हम लोगों को दिया जाना चाहिए था। ये क्या है कि बमीठा में 7 लोगों के 2016-17 का मुआवजा बना, घूरा में करोड़ों का मुआवजा, बसारी में लाखों करोड़ों का मुआवजा, कहीं लाखों में, कहीं करोड़ों में, कहीं हजारों में। पहले भी आपके द्वारा भी आंदोलन किया गया था, उसमें क्या कुछ आपकी शर्तें मानी गई थी? हमारे बमीठा के सभी लोगों ने एकजुटता के साथ 2 साल पूर्व भी आंदोलन किया था, तब सलोनी सिडाना जी उस समय एसडीएम थी, उनके द्वारा भी उदासीन रवैया अपनाया गया था, स्वप्निल वानखेड़े जी के समय काम बंद रहा, अब पीयूष भट्टी जी एसडीएम साहब आए हैं, अभी शैलेन जी कलेक्टर हैं, इन लोगों का एकदम उदासीन रवैया है। अभी आपने देखा हो घूरा में हम लोगों ने प्रदर्शन किया, जब जनता का था उसमें गए थे तो वहाँ कलेक्टर एसडीएम साहब आए थे, तब उन्होंने कहा था कि मुआवजा देंगे, आगे ऐसी समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी। लेकिन समस्याएं तो जस की तस हैं, तो समस्याएं जस की तस है, तो हमने एक बड़ा स्टेप लिया है, जो हमारे पास जब कोई सुनने वाला नहीं है तो हमने सीधा सीधा कहा है कि हम लोग इच्छा मृत्यु दे, सरकार हमें अनुमति दे, नहीं तो हम लोग जल सत्याग्रह करेंगे, स्वयं अपने प्राण त्यागने के लिए हम लोगों को मजबूर होना पड़ेगा, जब सरकार इच्छा मृत्यु भी नहीं देगी, रुपया भी नहीं देगी, तो कहां क्या करेंगे हम लोग। आप मुख्यमंत्री जो हैं उनसे कुछ अपेक्षा रखते हैं क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय, सबसे अपेक्षा और आशा आज भी हमें है, क्योंकि वो जन समस्याओं को लेकर के काम करने वाली सरकारें हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी हो चाहे प्रधानमंत्री जी हो, हमें आशा भी है कि ऐसी सरकार को वो जगाएंगे नींद से, जो प्रशासन को जगाएंगे नींद से, जो सोए हुए हैं जिले के कलेक्टर उनको जगाएंगे, वो निश्चित तौर पे हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, नहीं तो विकल्प खुला हुआ है इच्छा मृत्यु का, इच्छा मृत्यु इन लोगों को अनुमति देने होगी, इसलिए हमारा एक ही विकल्प है कि 2016-17 का मुआवजा दें, हम लोगों के जीवन यापन भविष्य का स्वाभिमान के साथ हो। क्या आश्वासन दिया गया आज एसडीएम के? एसडीएम साहब ने कहा है कि कल बमीठा आएंगे, बमीठा आकर कि यदि हम लोगों की मांग को जायज तरीके से नहीं ठीक किया गया तो हम लोग प्रदर्शन का रास्ता खुला हुआ है, अपने नेताओं के पास भी जाएंगे, सरकार को एक बार और गुहार लगाएंगे, क्योंकि इच्छा मृत्यु से बड़ा कोई विकल्प नहीं होता है, सरकार को आज चेतना चाहिए,
प्रशासन को चेतना चाहिए कि लोग इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जन समस्या से लोग ग्रसित हैं।